FCRA. Let's start with your final lecture of FCRA. FCRA mein last kaha bahut chhe apan? You guys remember that? Suspense. Acha, aap logo thoda sa jo log bahut sare log baithe nahi hai chapter ke andar un logo ke liye. Acha, apan log hai na Foreign Contribution Regulation Act padh ke rahe the. Humne kaha tha 2010 se pehle already ye act tha. Aisa nahi ki FCRA pehle nahi hua karta tha. Pehle 1976 ke act ke through chalta tha wo. Acha, pehle ka reason aur aaj ka reason. Reason same hi raha. हम लोग चाह रहे थे कि बाहर से कभी भी कोई हॉस्पिटैलिटी आपको अवार्ड की जा रही है या फिर बाहर से कोई लोग आपको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो हम उन्हें रोकते थे कि आप क्यों कंट्रीब्यूट कर रहे हो फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन. फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन के टाइम पे आप लोग कोई मीडिया प्रिंटिंग हाउस को पैसा प्रोवाइड कर रहे हो, मार्केटिंग के लिए पैसा प्रोवाइड कर रहे हो, तो वी वर सेइंग कि नहीं, ये फेयर कंटेस्ट इलेक्शंस के अगेंस्ट हो जाएगा क्योंकि आपको बाहर से पैसा आ रहा है. तो ऐसे केस में फॉरेन कंट्रीब्यूशन मेनली पॉलिटिकल पार्टीज, म्यूनिसिपैलिटीज़ या फिर लेजिस्लेचर को प्रोहिबिट करता था कि आप लोग कभी भी पेमेंट नहीं लेंगे कहीं किसी बाहर फॉरेन नेशनल से, बाहर के रेसिडेंट से या फिर देश का कोई इंडियन सिटीजन है जो बाहर का रेसिडेंट बन गया, अब जाके इन लोगों से अपन किसी भी तरह से कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं लेंगे इलेक्शंस के पर्पज़ के लिए. और एफ सी आर ए कहीं ना कहीं वहीं पर रेस्ट्रिक्ट हो रहा था. 1976 और 2010 के एक्ट की बात कर लो, दोनों ही केसेज के अंदर एक चीज़ बड़ी कॉन्स्टेंट और बड़ी स्ट्रेट रही है. 1976 भी प्रोहिबिट करता था, 2010 भी प्रोहिबिट करता है, पर 2010 को लाने का रीज़न इस बार रहा कि हमने और स्ट्रिंजेंट काम करना था. हमने और स्ट्रिंजेंट कर दिया इस चीज़ को, और अप्रूवल्स लगा दिए और कैप्स लगा दिए कि पेमेंट आएगा कि नहीं आएगा. 1976 थोड़ा सा लिबरल एक्ट था, अपन ने अभी इसको और स्ट्रिक्ट किया है. ठीक है, इसके अंदर आप लोगों ने मल्टीपल डेफिनेशंस रीड करी थी. फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है, फॉरेन हॉस्पिटैलिटी क्या होती है, क्या होती है फॉरेन हॉस्पिटैलिटी, अकोमोडेशन, फ्लाइट, फॉरेन सोर्स आप लोगों ने डील करी थी, बाहर की कोई कंपनी, बाहर की गवर्नमेंट, बाहर का सिटीजन, यहाँ का सिटीजन जो बाहर जाकर रेसिडेंट बन गया, ये सब लोग हमारे लेके आए, फॉरेन सोर्सेज के अंदर आ जाते थे. आपने पॉलिटिकल पार्टी की बात करी थी जो इंडियन इलेक्शन कमीशन, सॉरी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर्ड है, दैट्स अ पॉलिटिकल पार्टी. लेजिस्लेचर की आपने बात करी थी, लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया, स्टेट का, यूनियन टेरिटरी का, दिल्ली का. पर्सन की आपने बात करी थी, बिल्कुल टैक्स जैसा, HUF, AOP, BOI सब लोग को अपने इंक्लूड कर लिया था अपने अंदर. फिर अपन ने फिकरा के प्रोहिबिशन की बात करी थी कि भाई कौन कौन लोग पैसा नहीं एक्सेप्ट कर सकते. हमने कहा जो भी कैंडिडेट इलेक्शंस के लिए हैं, उनके करस्पॉन्डेंट, कॉलमनिस्ट, कार्टूनिस्ट, एडिटर, मीडिया कंपनी, ओवरनाइट प्रिंटर, सबको अपन ने प्रोहिबिट किया था. उसके बाद आपने पढ़ा था प्रोहिबिशन ऑन इंडिविजुअल फ्रॉम टेकिंग फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन, कि भाई कोई भी इंडिविजुअल फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं लेगा. इस पॉइंट का मतलब क्या था, मैंने आपको बताया था कि कोई भी इंडियन कैंडिडेट या फिर कोई भी और पर्सन जो इस कैंडिडेट को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पैसे देने वाला है, ये दोनों ही लोग फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते. अच्छा, इन केसेस के अंदर आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले सकते हैं, बाहर आपने कोई सर्विस प्रोवाइड की थी जिसकी वजह से आपको सैलरी मिली, वेजेस मिली, बाहर का कोई पेमेंट आपके पास आ रहा है क्योंकि आपने इंटरनेशनल ट्रेड किया उनके साथ, गुड्स दिए उनको या फिर इंटरनेशनल क्वालिटी की कोई चीज़ दी है, कोई गिफ्ट आ रहा है, पर गिफ्ट की वैल्यू कितने से कम, 25,000 से कम होनी चाहिए, तभी उसे हम लोग फॉरेन कंट्रीब्यूशन का पार्ट नहीं मानेंगे और परमिट करेंगे, 25,000 से ऊपर नहीं करेंगे परमिट. अच्छा, आपके रिलेटिव को आप बाहर से कुछ पैसे भेजना चाह रहे हो और वो कोई इलेक्शन पार्टी या फिर कोई भी चीज़ में नहीं है, तो आप अपने रिलेटिव को पैसे भेज सकते हैं बाय वे ऑफ रेमिटेंस रिसीव्ड फ्रॉम ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. मान लीजिए कोई नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में आपको पैसा बाहर से मिल रहा है, बाय वे ऑफ स्कॉलरशिप, स्टाइपेंड, पेमेंट ऑफ लाइक नेचर. स्टाइपेंड का मतलब क्या होता था, अपन कुछ इंटर्नशिप्स करने जा रहे हैं जिसके लिए कुछ पैसा मिल रहा है, इन सारी चीज़ों के लिए आप काम कर रहे हो तो हमें कॉन्ट्रीब्यूशन से प्रॉब्लम नहीं है. तो इन बेसिक अगर आपको एक ही चीज़ समझनी है तो अपन यही कहना चाह रहे थे कि हम लोग कुल मिला के पॉलिटिशियंस को बाहर से पैसा लाने से रोकते हैं इलेक्शंस के लिए, बस. ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हो गया था. ये सर्टिफिकेट में इसमें टाइम लिमिट मैंने बता दी थी, 90 डेज का टाइम होता है फ्रॉम द रिसीट ऑफ एप्लीकेशन. नहीं भी है तो आपको ग्राउंड बताएंगे कि क्यों आपको अलाउ नहीं किया, हो गया था ऑलरेडी. ठीक है, कंडीशंस भी हो गए, बहुत बढ़िया. अच्छा, ये यहाँ तक हो गया था ना, मेरे हिसाब से सस्पेंशन से करना है अपने को, राइट, सस्पेंशन से करना है. अब है ना, आप लोगों ने सर्टिफिकेट मांग लिया. अच्छा, इस लास्ट टॉपिक को 2 मिनट के लिए वापस रिवाइज कर लेते पहले, सो दैट एवरी वन कुड बी एबल टू, यू नो, विल बी एबल टू कनेक्ट. प्लीज़ इस डायग्राम को देखेंगे, अपन समझ जाना है. कोई भी इंसान, आप लोग सर्टिफिकेट कहाँ पढ़ रहे हो भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कोई भी इंसान जो कोई ऐसे काम कर रहा है, बात करता है कि भाई मैं ना कोई कल्चरल प्रमोशन कर रहा हूँ, इकोनॉमिक प्रमोशन कर रहा हूँ, एडुकेशनल, रिलीजियस या फिर कोई सोशल प्रोग्राम करता हूँ जीव मात्र की भलाई के लिए, कोई कास्ट सुधारने के लिए, कोई बैकवर्ड एरिया को बेटर करने के लिए, कोई रिजर्व कैटेगरी को बेटर करने के लिए, इसीलिए मुझे बाहर से कॉन्ट्रीब्यूशन चाहिए, प्लीज़ अलाउ मी. लाइक बिल गेट वॉन्ट्स टू कॉन्ट्रीब्यूट टू इंडिया टू रिमूव पॉवर्टी. हमने कहा कि भाई इधर तो कोई इलेक्शन एजेंडा ही नहीं है, तो प्लीज़ एटलीस्ट लेट बिल गेट्स सेंड मनी.
अभी आपने अमेजोन फॉरेस्ट के बारे में सुना था, आग लग गई थी एंड बैक टू बैक इट वॉज ऑन फायर, राइट? सो इट वॉज अ बिग बिग केस ऑफ अमेजोन फॉरेस्ट जहाँ पे इतनी आग लगी. तो सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या उठा, अपने है ना बहुत सारी गवर्नमेंट्स ने इन लोगों को पैसे भेजे अमेजोन फॉरेस्ट के लिए कि आप इसे सही करो, एंड दे रिफ्यूज इट. दे सेड वी कैन टेक केयर ऑफ आर अमेजोन फॉरेस्ट, डोंट वरी. अब कुछ कुछ लोग, कुछ कुछ कंट्रीज बाहर के एड को जनरली भीख की तरह कंसिडर भी कर सकती हैं. बट अगेन, अगर मान लो कि अमेजोन फॉरेस्ट इंडिया का पार्ट होता, वन, मान लो कि यहाँ पे आके अपने को कोई पैसे भेज रहा होता, मैं मतलब कमेंट क्या कर रहा हूँ सुनना खाली, मान लो कि बाहर से लोग पैसे भेज रहे होते अमेजन फॉरेस्ट को करेक्ट करने के लिए, तो क्या FCRA इसको प्रोहिबिट करता? आपने कहा नहीं, FCRA प्रोहिबिट नहीं करता. FCRA कहता हमको कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है भाई, एकदम ठीक है. तो ऐसी चीज़ों के लिए, ऐसी सोसाइटीज़ को रजिस्ट्रेशन दिया जाता है, कल्चरल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल, रिलीजियस, सोशल प्रोग्राम पर प्रोहिबिटेड. हमेशा ये देखते हैं कि आप लोग कहीं ऐसे लोग ना हो जो ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं जो कन्वर्जन प्रैक्टिस करवाते हैं. याद है मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, और बहुत सारे ग्राउंड्स थे. अब इसने बोला सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए आपने क्या करना है, एक एप्लीकेशन फाइल करनी थी सेंट्रल गवर्नमेंट को. सेंट्रल गवर्नमेंट रिजेक्ट भी कर सकता है एप्लीकेशन अगर उसको लगता है कि कहीं पे भी आप लोगों ने नेसेसरी पर्टिकुलर्स नहीं भरे. अगर वो चाहे तो वो आपको कुछ थोड़ा सा अपना पार्ट बता सकता है कि मेरे हिसाब से ये चीज़ें इनकम्प्लीट है, आप कंप्लीट कर लो, और उसके बाद आपको 90 दिन के अंदर फ्रॉम रिसीट ऑफ कंप्लीट एप्लीकेशन वो रिस्पॉन्स देता था. अ पर्सन अप्लाइज टू सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर मान लो एप्लीकेशन कंप्लीट है तो आगे कंसिडरेशन के लिए निकल जाएगी, और नहीं है तो यहीं पे सेंट्रल गवर्नमेंट उसको क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा. अगर कंप्लीट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपना ओपिनियन देगा, कितने दिन के अंदर, 90 डेज के अंदर. सो वेदर सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑफ द ओपिनियन दैट ऑल कंडीशन आर कंप्लाइड, इफ नॉट नो रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड, इफ यस सीजी विल ग्रांट सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन. सिंपल इनफ. अब आ जाओ आपके सस्पेंशन के ऊपर. अच्छा देखो, जाहिर सी बात है, आपको कितने दिन का टाइम मिला है, 5 साल का रजिस्ट्रेशन मिला है, नहीं रजिस्ट्रेशन मिल गया, कितने दिन के लिए वैलिड है, 5 साल के लिए वैलिड है. अब देखना ऐसे क्या बोला, सेंट्रल गवर्नमेंट आपके इस 5 साल के टेन्योर में, बेटा सस्पेंशन का मतलब क्या होता है, यू आर सस्पेंडेड फ्रॉम योर स्कूल. क्या आपको निकाल दिया स्कूल से? नहीं, फॉर फ्यू डेज यू बीन सस्पेंडेड. बहुत बार हुई मुझे तो लग रहा है तुमने अच्छे से बोला. द सेंट्रल गवर्नमेंट में सस्पेंड द सर्टिफिकेट फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 180 days. So you understand the suspension for any kind of certificate of registration which has been permitted by central government can be a suspension of maximum 180 days. इससे ऊपर suspension नहीं होता. आपने कहा सर पर फिर भी करना है तो बात समझो, suspension order 180 days होता है. अगर post which भी नहीं हो रहा ना तो cancel करो registration. Suspension 180 days से ऊपर नहीं जाएगा. The central government may suspend the certificate if any investigation is pending for cancellation of such certificate. अब आपके ऊपर investigation चल रही है कि आपका certificate cancel करना है, पर दोस्त Everyone is innocent until proven guilty. अभी तो investigation चल रही है, there is no final result as to अभी हुआ क्या है. तो हमने बोला till the time एक final result आए तब तक के लिए तेरा certificate क्या है, suspend किया जाता है. Investigation की report आन दे, अगर report में तू निर्दोष निकला तो तेरा suspension हटा देंगे, नहीं cancellation. Goes fine, simple है. Every person whose certificate has been suspended shall not receive any FC during the period of suspension of certificate. No person whose certificate has been suspended shall utilize the foreign contribution without the approval of central government. अब suspension period के tenure में समझना अपन क्या कहना चाह रहे हैं. ABC Limited has been given certificate of registration by central government. They have till now collected 100 CR. They have till now collected 100 CR. Along with this, they are supposed to collect 200 CR. This is supposed to be collected, not yet collected. 100 CR has been collected already. There is a suspension order. There is a suspension order on COR. आपने कहा सर suspension order, इसका मतलब क्या कि अब ये कोई और पैसे रेज नहीं कर पाएगा जब तक सस्पेंशन नहीं हटता. पर एक और चीज, जो पहले का भी पैसा आया है वो इसको यूटिलाइज भी नहीं कर सकता. क्यों? क्योंकि सस्पेंशन का मतलब है कि तू कुछ गलत काम कर रहा है, और गलत काम कर रहा है तो उस पैसे को मत इस्तेमाल करना. कब अगर आपको अलाउ किया जाए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि आप इसको यूज कर सकते हो, देन इज द ओनली टाइम आप इन 100 करोड़ को यूज कर पाओगे. इफ सेंट्रल गवर्नमेंट डज नॉट अलाउ, यू कैन नॉट यूज योर ओन मनी जो आपके पास कॉन्ट्रीब्यूशन के तौर पर आया था. यहां तक ठीक. Now the cancellation of certificate. Now it's obviously that जब investigation चल रहा है तब अपन suspension करते हैं, और अगर हमें investigation में पता पड़ गया कि आपका conduct सही नहीं था तो एक order आएगा of cancellation.
कैंसिलेशन कैन बी फॉर मल्टीपल ग्राउंड्स, वन ऑफ विच इज द रिजल्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन दैट अ वायलेशन हैज टेकन प्लेस. द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर टू कैंसिल द सर्टिफिकेट इफ द सर्टिफिकेट हैज बीन ऑब्टेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ फॉल्स इन्फॉर्मेशन. क्या ये आपने कंपनी लॉ में इनकॉर्पोरेशन के लिए भी पढ़ा है, दैट अ कंपनी इज लाइबल टू बी वाउंड अप इफ इट हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड बाय प्लेसिंग फॉल्स एप्लीकेशन टू द आरओसी. आपके चैप्टर सेकंड या थर्ड का पार्ट होगा ये कंपनी लॉ के अंदर, इफ यू रिमेंबर दिस फैक्ट. तो सेम वही, अगर आपका सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको फॉल्स इन्फॉर्मेशन फाइल करने पर मिला है, तो जिस भी दिन हमें पता पड़ता है कि आपने फॉल्स इन्फॉर्मेशन फाइल की थी, योर सर्टिफिकेट इज लाइबल टू गेट रिजेक्टेड, दैट इज कैंसल्ड. सेकेंड, द होल्डर ऑफ द सर्टिफिकेट हैज वायलेटेड एनी ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द सर्टिफिकेट. इसका मतलब क्या हुआ, आपको कुछ कंडीशंस पे सर्टिफिकेट दिया था, एनी वायलेशन ऑफ कंडीशन विल लीड यू टू कैंसिलेशन. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, इफ द वायलेशन इज प्रूवन वायलेशन, देयर इज नो एलिगेशन, इट्स प्रूवन वायलेशन, दे वोंट सस्पेंड योर सर्टिफिकेट, वो डायरेक्ट कैंसिल करेंगे. हाउएवर, अगर आपका वायलेशन प्रूवन नहीं है एंड देयर नीड्स वन इन्वेस्टिगेशन, टिल द टाइम दैट इन्वेस्टिगेशन वर्क्स ऑन, सस्पेंशन कर देंगे. श्योर इनफ, सस्पेंशन मैक्सिमम टेन्योर 180 days, तो जाहिर सी बात है इन्वेस्टिगेशन शुड बी कंप्लीटेड इन 180 days, एज सिंपल एज दैट. श्योर इनफ, सी इट इज नेसेसरी इन द पब्लिक इंटरेस्ट टू कैंसिल द सर्टिफिकेट. डी द होल्डर ऑफ सर्टिफिकेट हैज वायलेटेड एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट. अभी तक बच्चे कौन सी चीजों पर कैंसिलेशन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है प्लीज देखेंगे. पहला, सर्टिफिकेट में आपने गलत इन्फॉर्मेशन फाइल करवा दी. सेकेंड, आपने जो कंडीशंस पे सर्टिफिकेट लिया था उन्हें वायलेट कर दिया. थर्ड, पब्लिक इंटरेस्ट में बेटर है कि आपके इस चीज़ को अपन कैंसिल ही कर दें. एंड फोर्थ, आपने एक्ट के अंदर कही हुई कोई भी बात का वायलेशन कर दिया. फिफ्थ, द होल्डर ऑफ द सर्टिफिकेट हैज नॉट बीन एंगेज इन एनी एक्टिविटी इन हिज चूजन फील्ड फॉर द बेनिफिट फॉर 2 consecutive years. यू हैव टेकन 60,000 फ्रॉम योर हाउस, आई वॉन्ट टू डू CS, गिव मी मनी. 2 years हैव पास्ड, यू हैव नॉट इट स्टिल रजिस्टर्ड फॉर CS. Liable to get the money back, obviously your parents are going to say where's the money. तो कितने दिन इंतजार करना है, 2 साल इंतजार करना है. अगर 2 साल तक आपने बोला था कि सर मुझे फॉरन कंट्रीब्यूशन लाने दो, मैं कल्चरल काम करूंगा, मैं एजुकेशनल अपग्रेड करूंगा, मैं बैकवर्ड क्लास के लिए काम करूंगा, और 2 साल से बैलेंस शीट नहीं ला रही है कि कोई एक्सपेंडिचर्स है ही नहीं, हमने कहा अगर आप 2 साल से डॉर्मेंट की तरह पड़े हुए हो, यू आर लाइबल टू रिटर्न ऑल द फंड्स एंड आपका सर्टिफिकेट क्या कर दिया जाएगा, कैंसिल. Any person whose certificate has been cancelled shall not be eligible for registration or grant of prior permission for a period of 3 years. So, a cooling off period है. आपसे गलती हो गई, आपका registration खत्म हो गया, 3 साल तक आप FCRA के अंदर नहीं आ सकते. Foreign Contribution Regulation Act के अंदर 3 साल के लिए आपकी दुकान बंद. इन 3 साल के बाद क्या हम वापस आ सकते हैं, द फर्स्ट आंसर इज यस. सेकेंडली सर, इन 3 साल में क्या मेरी बीवी या फिर मेरे रिलेटिव आ सकते हैं, नो. इफ दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू यू, नो. FCRA understands you and your immediate family altogether. अच्छा बताओ, मेरे मामा का लड़का अगर जा रहा है तो उनको क्या दिक्कत होगी, सोच के देखो. द पॉइंट बींग, इफ आई cannot डू एनीथिंग डायरेक्टली, आई शुड नॉट बी अलाउड टू डू इट इनडायरेक्टली. आई रिपीट, इफ आई cannot डू समथिंग डायरेक्टली, आई शुड नॉट बी अलाउड टू डू इट इनडायरेक्टली. मी एंड माई वाइफ शेयर अ वेरी पर्सनल बॉन्ड. इफ शी इज गोइंग फॉर रजिस्ट्रेशन जस्ट पोस्ट माई रिजेक्शन shows a clear intention on my part that I want to get registration in the name of my wife, but the work is mine. So what cannot be done directly cannot be done indirectly. However, अगर मेरे दूर का चाचा मसारा कोई भाई है जो अपने जीवन में पहले ही रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर चुका है या कभी फ्यूचर में करता है, और हमें इस पर कोई ऐसा फ्लॉड होक्स नहीं दिख रहा है, तो आपको नहीं देंगे रजिस्ट्रेशन. However, अगर आप रिलेशनशिप की बात करते हो, तो कंपनीज एक्ट के अंदर जो रिलेशनशिप समझाया गया है एज इट इज, वही हर जगह पे अप्लाई किया जाता है. दैट व्हाट डू यू मीन बाय अ रिलेटिव, योर इमीडिएट रिलेटिव, योर वाइफ, योर फादर, सिस्टर एंड ब्रदर एंड स्पाउस, हो गया ना, स्पाउस, पेरेंट्स, सिस्टर एंड ब्रदर, चाइल्ड, ये सब आपके इमीडिएट रिलेटिव्स में आते हैं और इन्हीं को रोका जाता है. बाकी सब लोग दूर के हो जाते हैं, आप कर रहे हो तो मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, पर आपकी एप्लीकेशन में एक दिक्कत आ सकती है. हाउएवर, मतलब दिस इज नो ग्राउंड ऑफ रिफ्यूजिंग. आप तो काम कर ही नहीं सकते. अगर फ्यूचर में पता पड़ गया कि आपके लिए हो रहा था, बी कंडीशन, the holder of the certificate has violated the terms and condition of the certificate, should be cancelled.
उसका भी सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाएगा अगर हमें पता पड़ा कि आप यूज़ कर रहे हैं उसे पीछे. आपको 3 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड देना था, दैट्स इट. अगर कभी पता पड़ा कि आप किसी के थ्रू कर रहे हैं, वापस से कैंसिलेशन आएगा और पेनल्टी भी आएगी. मैं बता रहा हूँ आगे पेनल्टी, यहाँ तक दिक्कत नहीं. अब मेरे बच्चे दूसरा सवाल है मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन. बाहर से पैसा आया है, आपने उसे कैसे मैनेज करना है और जो सर्टिफिकेट कैंसिल हो गया. अच्छा आप बताओ आपका आपका एक रैशनल माइंड क्या कहता है, यार आपके पास बाहर से 100 करोड़ रुपए आए हुए हैं, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, सस्पेंड नहीं कैंसिल हो गया. सस्पेंशन का तो ट्रीटमेंट मैंने बता दिया कि भाई होल्ड करके रख देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल से यूज़ करना है. पर अब आपके पास पैसा पड़ा है, आपका सर्टिफिकेट कैंसिल हो गया, हाउ डू यू गो अबाउट दिस? सर वापस कर दो, सबसे बेसिक तरीका क्या है, मेहनत करा रहे हैं. ठीक है, द फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन एंड एसेट्स क्रिएटेड आउट ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन. अब देखो इसने क्या बोला, बाहर का फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन प्लस उस पैसे से खरीदी हुई एसेट्स इन द कस्टडी ऑफ एवरी पर्सन हू सर्टिफिकेट हैज बीन कैंसल्ड शैल वेस्ट इन सच अथॉरिटी एज मे बी प्रिस्क्राइब. तो जो FCRA के अंदर अपन अथॉरिटी अभी पढ़ने वाले हैं वो इन सबको कलेक्ट करके सीज कर लेगी. ठीक है, एकदम जो भी एसेट है, जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन है, फर्स्ट इट विल बी सीज. सेकेंड, द अथॉरिटी शैल मैनेज एक्टिविटीज ऑफ द पर्सन एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्ट. अथॉरिटी इन पैसों का वही काम करेगी जिसको कौन डायरेक्ट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट करेगा. दो चीजें, पहला सारा फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन और सारी एसेट्स फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन से खरीदी हुई सीज हो जाएंगी. अथॉरिटी शैल मैनेज एक्टिविटीज ऑफ द पर्सन एज सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्ट. नेक्स्ट, सच अथॉरिटी में यूटिलाइज द कॉन्ट्रीब्यूशन और डिस्पोज ऑफ द एसेट्स क्रिएटेड आउट ऑफ इन केस एडिक्वेट फंड्स आर नॉट अवेलेबल फॉर रनिंग सच एक्टिविटी. अब बात समझना यहाँ पे क्या हो रहा है. आप लोगों का कहना था कि रिफंड कर दो. प्रॉब्लम यह है कि ए ने, बी ने और सी ने अलग अलग टाइम पे आप लोगों को पैसा दिया है, 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़, 1.5 करोड़ इस्तेमाल हो गया है. रिफंड कैसे करोगे? तुमने ए का पैसा यूज़ किया, बी का यूज़ किया या सी का यूज़ किया, प्लस उन्होंने किसी पर्पज़ के लिए पैसा दिया था, वो पर्पज़ नहीं हुआ. और अगर तुमने वो पर्पज़ अचीव नहीं किया है तो इसका ये मतलब है कि नेक्स्ट टाइम कोई फॉरेन इन्वेस्टर तुम्हारे साथ कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं करेगा, क्योंकि आप लोग पैसा खा जाते हो या फिर उल्टा उनको नुकसान पहुँचाते हो. और उन लोगों ने जो तुमको फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन दिया ना, वो दान धर्म के भावना पर दिया है और दान वापस थोड़ी भेजा जाता है. तो व्हाट्स द अल्टीमेट आंसर ओवर दिस? इसने क्या बोला, डू नॉट रिफंड. अब एक लाइन लिखूंगा और इसका आंसर आ चुका होगा, फिर अपन सिर्फ रीड कर रहे हैं. डू नॉट रिफंड टेक द मैनेजमेंट अंडर द अथॉरिटीज कंट्रोल. टेक द मैनेजमेंट अंडर द अथॉरिटीज कंट्रोल. आप लोगों ने मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया क्योंकि मैं वायलेशन कर रहा था. आपने कहा आप तेरी एसेट ला, तेरा कॉन्ट्रीब्यूशन ला जो फॉरेन से आया है, और अब से सारी एक्टिविटी हम परफॉर्म करेंगे जो तूने ऑब्जेक्ट में दिखाई थी. और हम भी कैसे परफॉर्म करेंगे, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा, और तू यहाँ से इज लाइबल टू गेट आउट. जस्ट इन केस आपने अपना इनोसेंस प्रूव कर दिया और फॉर एनी गुड रीज़न आपको री रजिस्ट्रेशन मिल गया और कोई फंड्स अभी बचे हुए हैं, वो फंड्स वापस आपके हाथ में दे दी जाएगी. कहानी आता क्लियर है एकदम? सो फार सो गुड, वेरी सिंपल. वापस एक एक पॉइंट रीड मारो. फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन एंड एसेट क्रिएटेड ऑफ द फॉरेन करेंसीज शुड बी इन द कस्टडी विद द अथॉरिटी एज मे बी प्रिस्क्राइब. इट विल मैनेज द एक्टिविटीज ऑफ द पर्सन एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्ट. सच अथॉरिटी में यूटिलाइज द कॉन्ट्रीब्यूशन और डिस्पोज ऑफ द एसेट्स क्रिएटेड आउट ऑफ इट इन केस एडिक्वेट फंड्स आर नॉट अवेलेबल फॉर रनिंग सच एक्टिविटी. जितने फंड्स की जरूरत है उतनी आप इनके एसेट्स भी सोल्ड आउट कर देना ताकि आपको पैसा मिल जाए और आप लोग अपनी एक्टिविटी रन कर पाओ. इफ सच पर्सन इज सब्सिक्वेंटली रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट द अथॉरिटी शैल रिटर्न द फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन एंड एसेट वेस्टेड अपॉन इट टू द पर्सन. अगर जीवन में वापस री रजिस्ट्रेशन मिला, आपकी चीज आपको वापस दे देंगे, जितनी बची है, जितनी एसेट्स बची हैं, नया नहीं खरीद के देना आपने. चारों एक बार वापस से देख लो कंडीशंस, अगर कोई डाउट हो इनमें से किसी पे भी. तो
कल विकास सर का लेक्चर है क्या? संडे कल? नहीं मतलब मेरा नहीं है, जितनी गंदी नजर तुम घबराए, तुमने कहा मर गए इसको पता पड़ गया कुछ है। मेरा नहीं, मेरा नहीं। हाँ जी देख लिया क्या? सिंपल है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है रिन्यूअल। वी आर ऑलमोस्ट डन विद FCRA। आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से जितना करना चाहिए था ना, बहुत डिटेल में हो चुका है। अब एकदम यहाँ पे टाइम पास जल्दी रिन्यूअल ऑफ सर्टिफिकेट। अच्छा, 5 साल का टाइम होता है, रिन्यू करवा लो। कितना टाइम पहले रिन्यू करवा लेना? एक्सपायरी के 6 महीने पहले, तो मतलब 4 months and 6 months होने के पहले आपने, मतलब 4 months 6 months के बाद आपने अप्लाई कर लेने का और री रजिस्ट्रेशन लेने का। देख लो, समझ आए? 4 years 6 months के बाद, 4 years 6 months के बाद आप कभी भी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 4.5 साल बाद आप अप्लाई कर लो रजिस्ट्रेशन के लिए, 6 महीने में आपका रिन्यूअल हो जाएगा वापस से। देख लो, अब आता है अकाउंट्स इंटीमेशन ऑडिट एंड डिस्पोजल ऑफ एसेट्स। अच्छा, जेन्युइनली आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये आपको क्यों दिया FCRA। आई बिलीव क्योंकि बैरैक्ट में ऐसा ही चल रहा है, तो उन्होंने कहा चलो दे देते हैं। मतलब इसका कोई लॉजिक नहीं था आपको देने का, और ना एज ए CS आपने इन चीज़ों के ऊपर काम करना होगा। तो मतलब फ्यूचर में भी कोई लाइफ में आपको ये वापस नहीं आएगा, बस ये आपका एग्जाम क्लियर करने के लिए खत्म, ड्राफ्टिंग में वापस आएगा। फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन थ्रू शेड्यूल्ड बैंक। ड्राफ्टिंग के अंदर आपको वो बनाने तो ना, लीज एग्रीमेंट्स, बाहर से कोई आ रही है, कोई ट्रीटी बनानी है, एग्रीमेंट बनाना है, तो तब आपके सामने ऐसी कंडीशन आ जाती है कि कंसिडर देयर इज अ पर्सन कॉन्ट्रीब्यूटिंग 10 crore rupees फ्रॉम दैट कंट्री टू दिस कंट्री अंडर इंडिया ड्राफ्ट एग्रीमेंट ऑफ रिसीविंग कॉन्ट्रीब्यूशन। तो फिर आपको पहले ये तो पता होना चाहिए कि फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है इसमें, उसके बाद ही तो ड्राफ्ट कर पाओगे। और ये चीज़ें आगे नहीं सिखाई जाएंगी। आप जो ड्राफ्टिंग सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो ना, उसमें क्या क्या क्वेश्चन होते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, जो ऊपर आप जुरिस्प्रूडेंस पढ़ोगे ना वो, यहाँ से EBCL से फेमा और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये सारी चीज़ें आगे ड्राफ्टिंग में वापस चलेंगी। विकास सर वापस नहीं पढ़ाएंगे ये चीज़ आपको, विकास सर आपके लिए बस एज इट इज स्ट्रेट ड्राफ्ट्स पढ़ाएंगे और आपको बोलेंगे ये तो आपको आता ही होगा, सिर्फ एक ऊपर से जल्दी से लाइनअप करके चले जाएंगे कि भाई क्या क्या होता है। तो यही चीज़ होता है कि आपके अभी की नॉलेज प्रोफेशनल में जेन्युइनली आप नया कुछ नहीं सीखोगे। अपन प्रोफेशनल में जब मिलेंगे ना, सर आपको सिक्योरिटीज़ यहाँ पढ़ाते हैं, मैं आपको वहाँ फंडिंग पढ़ाता हूँ, जो प्रोफेशनल का एंड लेवल होता है सिक्योरिटीज़ का फाइनल लेवल। तो सर ने आपके यहाँ पे थ्योरी डेवलप करी, अब उसे प्रैक्टिकली कैसे करना होता है ना, फंडिंग वो मेरा पार्ट होता है। तो जितना तुम यहाँ पढ़ के आ रहे हो ना सर से, मतलब और जेन्युइनली सबसे सही आदमी से पढ़ रहे हो, मतलब उनके स्टूडेंट्स वहाँ पे फंडिंग में यहाँ पे आते हैं ना, इतने क्लासी आंसर्स देते हैं ना, क्योंकि ऑलरेडी बहुत तैयार होते हैं, ऑलरेडी ओवर तैयार होते हैं। सेम हम लोग ऐसे उल्टा करते हैं कि मेरे बच्चे जब उनके पास ड्राफ्टिंग में जाए, तो यहाँ से मेरे वाले सब्जेक्ट में तैयार होने चाहिए, उनके ऐसे तैयार होने चाहिए। तो आप यहाँ की थ्योरी मेंटेन करना, प्रोफेशनल में आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। प्रोफेशनल में टैक्स का मॉड्यूल हटा दो तो आपका एक भी मॉड्यूल 400 pages से बड़ा नहीं होगा। और आप अभी देख लो आपकी हालत, JIGL 700 pages जा रहा है, कंपनी लॉ तो 900,000 pages टच कर जाता है, टैक्स जा रहा है 900,000 pages। प्रोफेशनल में सब्जेक्ट छोटे होते हैं, प्रोफेशनल में मेहनत कम होती है, आपके एग्जीक्यूटिव का कमाई ज़्यादा होती है। मतलब जितना यहाँ अर्न किया है ना, आगे सिर्फ खर्च कर रहे हो आराम से बैठ के। लेक्चर्स के टाइम बहुत कम हो जाएंगे, सुबह सुबह जाना है और दिन में 1-2 बजे तक फ्री, 2-3 बजे तक फ्री, बस ख़त्म। इतना ऐसे ऐसे चलता है। और फिर ग्रुप वाइज चलते हैं कि पहले खाली एक ही ग्रुप के लेक्चर चलेंगे, वो पूरे फ्री हो जाओ, घर पे तैयारी कर लो, फिर दूसरे ग्रुप के चलेंगे, ऐसे होता है। तो आपको एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम मिलेगा इंटर्नशिप्स करने का, तो बहुत सिस्टमैटिकली प्लान करना पड़ेगा। और जो बच्चा एग्जीक्यूटिव वीकली तैयार करके एकदम धक्के खा के आ गया, वो इंटर्नशिप नहीं करके घर पे वापस एग्जीक्यूटिव पढ़ता है, ताकि प्रोफेशनल में जो डेटा मिस हो रहा है वो आप टच कर पाओ। तो इन चीज़ों का ध्यान देना है कि अभी जो आपके हाथ की बुक्स हैं ना, वो आपकी ज्वेल्स हैं, रखना ज़रूर आपके साथ, वापस से आगे तक काम आएंगे। अगेन दिस इज अ वेस्ट। दैट बीइंग सेड, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन थ्रू शेड्यूल बैंक। अब इसने क्या बोला बच्चे, सबसे पहले इसने बोली रिसीविंग फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन इन सिंगल अकाउंट। अरे भाई, जिसको रजिस्ट्रेशन मिला है वो मल्टीपल अकाउंट्स में थोड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन लेगा। अभी जब तू वाइट में पैसा ले रहा है तो ऑब्वियसली एक अकाउंट में लेगा। सैलरी अकाउंट 2 होते हैं क्या कभी? नहीं, आपकी सैलरी एक अकाउंट में जाती है, ऐसे थोड़ी होता है जनवरी की इसमें आएगी, फरवरी की इसमें आएगी। एवरी पर्सन हु हैज बीन ग्रांटेड अ सर्टिफिकेट अंडर दिस एक्ट शैल रिसीव फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन इन अ सिंगल अकाउंट ओनली, दैट्स इट। सेकंड, यूटिलाइजेशन थ्रू सेवरल अकाउंट। सच पर्सन में ओपन वन और मोर अकाउंट इन वन और मोर बैंक फॉर यूटिलाइजिंग फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन। आपकी सैलरी अकाउंट एक ही है यार, आज मेरा यस के साथ सैलरी अकाउंट एक ही है, पर मेरे 10 अकाउंट और होंगे अगर आप देखोगे तो, एक्सिस में एक अकाउंट है, एक दूसरे अकाउंट में, अरे मैं कहीं पे भी पैसे डालूं वो दिक्कत नहीं। तू कलेक्शन एक जगह पे दिखा, क्यों? हमें पता पड़ जाएगा तेरा इनफ्लो कितना है। आउटफ्लो की तो बात ही नहीं कर रहे हम, क्योंकि हम तो इनफ्लो के पीछे भाग रहे हैं कि बाहर से कॉन्ट्रीब्यूशन आ कितना है। आउटफ्लो तू प्रूव कर, क्योंकि तू प्रूव नहीं करेगा तो हम बोलेंगे तेरे पास पड़ा हुआ है पैसा।
तो आउटफ्लो में तो झूठ नहीं बोलेगा, तू इनफ्लो में झूठ बोलेगा। तो इनफ्लो एक ही जगह होना चाहिए, आउटफ्लो मल्टीपल अकाउंट से करना। लॉजिक क्लियर है एकदम? नो वन लाइज व्हेन इट्स द एक्सपेंडिचर। अच्छा आज अगर मैं आपसे पूछूं यार आपका महीने का खर्चा कितना है, तो ना आप बोलते बोलते मैं कह दोगे अरे यार 5,000 है, 10,000 है, 15,000 है, 20,000 है, 25,000 है, जो आपके मन में आ जाएगा आप कह दोगे, एक बार गिनोगे नहीं। पर अगर मैं आपका इनफ्लो बोल दूँ ना तो आपके दिमाग में टेंशन करोगे कि मांग ना ले, ठीक है? तो बड़ा कैलकुलेटेडली आप बोलोगे कि अरे यार मतलब घर से क्या ही आते हैं, 10,000, 15,000 और खर्चे 20,000, ऐसे हो जाते हैं। तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, तेरे 20,000 का खर्चा होता है ना वो तो खुद प्रूव करेगा। इनफ्लो एक ही जगह पे दिखाते हैं, बस इनफ्लो एक जगह पे दिखाते हैं, मान जाएंगे पंडन। मेरे से अगर कभी कोई कैश मांगता है ना तो मैं मेरे बैंक अकाउंट का स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ कि भाई इतनी बुरी हालत चल रही है, बोल पैसे भेजोगे तेरे को, मतलब तुम्हें शर्म आ जानी चाहिए ऐसा अकाउंट। पर कोई कभी नहीं मानता, जैसे अभी तुम्हारा एक्सप्रेशन आया कि तू तो गलत वाले अकाउंट का भेजेगा। सो यू गेट इट, द पॉइंट बिंग वेरी सिंपल, तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाता है कि अबे मल्टीपल अकाउंट होंगे तो सब अपना एक्सपेंडिचर घुमा देते हैं और हमें दिक्कत नहीं, हमने इनफ्लो की बात करनी है। कोई तुम्हें अपना सैलरी अकाउंट का फोटो भेजे, विश्वास कर लेना, बस बात खत्म, अपन ने कर लेना उस पर। थर्ड, स्पेसिफिक यूसेज ऑफ अकाउंट। सीधी बात है, एक अकाउंट है उसमें पैसा आ रहा है, खर्चा तो मल्टीपल अकाउंट से कर रहे हैं, पर नो अदर फंड्स अदर देन फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन शैल बी डिपॉजिटेड इन सच अकाउंट। चेक करके देखना कभी गूगल करके, तुम्हारे सैलरी अकाउंट में और कोई पैसे आ सकते हैं? आप बोलते नहीं सर, सैलरी अकाउंट में बैंक या फिर जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो वहाँ की सैलरी आती है, आप उसी को यूज़ करते हो। और कोई भी इंसान है ना उसके अंदर दूसरे फंड रिसीव करना पसंद नहीं करता, क्यों? क्योंकि वो वाइट अमाउंट रहता है आपका। आप आईटी में शो करते हो, आपने उसमें 10,000 भी डाले तो आपको हिसाब दिखाना पड़ेगा 10,000 कहाँ उड़ाए थे, नहीं तो 10,000 टैक्स पर हम ये मान लेंगे तेरे पार्ट ऑफ सैलरी था ये। तो आप क्या करोगे, आप कभी भी नहीं लोगे। आप मेरे भाई आज जॉब कर रहा है, कभी भी मैं उसको बोल दूंगा ना कि यार मुझे थोड़े से पैसे, अभी लास्ट टाइम की बात है वो घर पे आया हुआ था तो आई वांटेड सम अर्जेंट मनी इन माय अकाउंट, क्योंकि मतलब मुझे अरसे हो जाते हैं मेरे अकाउंट में पैसे डाले हुए, एंड वेन एवर आई टेक मनी आई टेक इन कैश फॉर एनी गुड रीजन। तो अकाउंट में पैसे डाले हुए अरसे होते हैं, और इस बार मेरे अकाउंट में, अच्छा फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट मेरे अकाउंट में मात्र शायद 2-5 हज़ार रुपये पड़े होंगे, और मैं भूल गया कि अगले दिन मेरी SIP डिडक्शंस है। तो भाई घर पे था, मैं कह यार भाई सुनना प्लीज़ खाली मेरे अकाउंट में पैसे डाल दो, मैं अभी आपको कैश देता हूँ। तो ही सेट फाइन, ठीक है। उन्होंने एक बार मेरे अकाउंट में पैसे डाल दिए, मैं अंदर गया, मैं कैश निकाल के आया, मैं उनको कैश दे दिया, ठीक। ही हैड नो प्रॉब्लम विद दिस, बट देन अचानक से मतलब व्हाट आई सेड, मैं कहीं काम करना मेरे को पैसे दे दे, मैं तेरे अकाउंट में डाल देता हूँ ना, मैं कल मैं डलवा देता हूँ प्रसाद भैया को बोल के। ही रिफ्यूज इट, ही सेड तू मेरे अकाउंट में अलग से कुछ मत डाल, फिर मेरे को इनकम दिखानी पड़ेगी, फिर मेरे को दिखाना पड़ेगा 25,000 मैंने एक्सपेंडिचर किया, फिर मैंने ऐसे किया, इतना लंबा झंझट ही नहीं चाहिए। बेटर क्या है, तू तेरे रास्ते मैं मेरे रास्ते, मैं एक्सपेंडिचर दिखा दूंगा। एक्सपेंडिचर से किसी को दिक्कत नहीं है, इनकम में सबको मौत आती है दिखाते हुए कि इनकम नहीं दिखानी। तो ये बोल रहा है कि अगर स्पेसिफिक अकाउंट है ना तो वहाँ पे आप वहीं का पैसा दिखाओगे जो हमने बोला था, फॉरेन कंट्रीब्यूशन, दैट्स इट, कोई दूसरा पैसा मत दिखाना। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिपोर्टिंग, किस सोर्स से, किस तरीके से आप बाहर से पैसा लेके आए थे वो रिपोर्ट करो। चार चीज़ें, एक ही अकाउंट में पैसा लेना है, यूसेज मल्टीपल अकाउंट से चलता है, आपके अकाउंट में से फॉरेन कंट्रीब्यूशन आना चाहिए, और जैसे ही आ रहा है सोर्स एंड मैनर ऑफ सोर्सिंग बताना है। श्योर, नॉट इम्पॉर्टेंट, इंटीमेशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखते हैं इसमें क्या, अच्छा ये भी कोई इतना खासा नहीं, एवरी पर्सन हु हैज बीन ग्रांटेड अ सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड टू इन्फॉर्म द गवर्नमेंट द अमाउंट ऑफ ईच फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड। आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट को अपडेट करिए आपने कितना फॉरेन कंट्रीब्यूशन लिया है, सोर्स फॉर एंड मैनर जहाँ से आपके पास पैसा आया है, एंड थर्ड किस पर्पज के लिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन आपके पास आया है। तीनों पॉइंट एकदम सिंपल है, कहाँ से पैसा आया है, सॉरी कितना पैसा आया है, कहाँ से पैसा आया है, कहाँ इस्तेमाल करोगे। मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट, टाइम पास, एवरी पर्सन हु हैज बीन ग्रांटेड अ सर्टिफिकेट और प्रायर अप्रूवल शैल मेंटेन एन अकाउंट ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव बाय हिम एंड अ रिकॉर्ड ऑफ मैनर इन विच सच कंट्रीब्यूशन हैज बीन यूटिलाइज्ड बाय हिम। अगेन, सोर्स ऑफ मनी प्लस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, सोर्स ऑफ मनी और यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। ऑर्डर फॉर ऑडिट ऑफ अकाउंट्स, वेर एनी पर्सन फेल्स टू फर्निश एनी इंटीमेशन विद इन द स्पेसिफाइड टाइम द गवर्नमेंट मे पास। अच्छा गवर्नमेंट ने आपको कुछ बोला था बट यू फेल्ड टू फर्निश दैट इंफॉर्मेशन, ठीक है एकदम। टू ऑडिट एनी अकाउंट्स ऑफ अकाउंट केप्ट और मेंटेन बाय सच पर्सन, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर कर सकती है कि इसके अकाउंट जाके ऑडिट करूँ क्योंकि इसने इन्फॉर्मेशन इंटीमेट नहीं करी हमको। हर ऑफिसर जिसके भी अपन ने बात करी है, दैट एवरी ऑफिसर शैल हैव द राइट टू एंटर इन और अपॉन एनी प्रिमाइसेड एट एनी रीजनेबल आर, व्हाट इज रीजनेबल आर, आपने रात को 3 बजे उस पर्सन के घर पे पहुंच गए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखा, उसने कहा रात को 3 बजे हम क्या देखने की इच्छा रखते हैं, तेरे को बैठ के ये दिखाऊं, जाए ऐसे। और क्या वो जस्टिफाइड है कहने के लिए, आपने कहा बिल्कुल जस्टिफाइड है यार,
रात को 3 बजे उसको भाई एकदम आराम से स्वप्न लोक में देखने भाई अपनी अपनी मलिकाओं को, लास्ट टू ऑब्टेन एनी अदर इन्फॉर्मेशन हम आपके यहाँ पे आ सकते हैं चेकिंग करने, पर हमेशा याद रखना एट रीजनेबल टाइम। रीजनेबल टाइम जनरली पर से वी से आर द वर्किंग आवर्स। Other working hours, sure enough. Let's go ahead. Intimation by candidate for election. Every candidate for election shall give intimation to the government about the amount of foreign contribution received, the source from such foreign contribution was received, and the purpose for which and the manner in which the contribution was received by him. हमने क्या बोला? अगर कोई भी candidate है election में खड़ा होने वाला, उसको कहीं से भी contribution आ गया ना, तो सबसे पहले वो किसको बताएगा? Central government को कि सर पैसा आया है, कहाँ से आया है, क्यों आया है। क्यों आने के बाद क्यों बताई? क्योंकि FCRA पॉलिटिशियंस को फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन इलेक्शन में यूज करने से मना करता है। इलेक्शन, अरे तू क्या करेगी तू? देश में करप्शन मोदी जी का कहना है नहीं होता है, क्या तू इस बात से एग्री करती है? तो अपन को तो लॉ पढ़ना है, लॉ तोड़ने वाले बैठे हैं लोग। अच्छा, एवरी लॉ इज ग्रेट ऑन पेपर, मुझे रियालिटी में एक सही इम्पोजिशन बता दो। आप यरवड़ा चले जाओ, यरवड़ा में अगर 1000 लोग हैं ना, तो मैं लिख के देता हूँ 400 निर्दोष होंगे। मैं कन्विक्ट्स की बात कर रहा हूँ, 400 कन्विक्ट्स निर्दोष होंगे। तो ऑन पेपर तो हम कहते हैं 1000 गिल्टी शुड बी लेफ्ट, नॉट वन इनोसेंट शुड बी पनिश्ड। तो उस हिसाब से तो आपने 40,000 लोगों को छोड़ दिया, मतलब उस हिसाब से तो आपके यहाँ पे 400 लोग अंदर बैठा रखे हैं आपने, बिल्कुल ही गलत है, पता भी नहीं पड़ता है। कैंड हेल्प इट, ऑन पेपर कहने की बात है भाई, आपने इंटीमेट करना है। नाउ डिस्पोजल ऑफ एसेट्स क्रिएटेड आउट ऑफ फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन, ऑलरेडी करा दिया, रीड करके देख लो। यू डोंट हैव टू डू दैट, आपसे एक बार रीड कर लें, नॉट इम्पॉर्टेंट। रुपीज़ इट डजेंट मैटर। सी ना, वी कैन रिकग्नाइज अदर करेंसीज। आप कहोगे $25,000, तो फिर आप यूरोज़ के लिए भी अलग बताओगे बताओगे, तो बेटर क्या होता है बाहर से कितना ही पैसा है, पर अगर वो भारत में कन्वर्ट करने का 25,000 से ज़्यादा हो रहा है, तो वी विल टेक इट एज फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन, इट्स रुपीज़। श्योर है ना? कोई दिक्कत नहीं, ये देख लिया? अली डाउट है, समझाओ ये वाला। इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर। अच्छा, तीनों का डिफरेंस कोई बता सकता है? इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर का। इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर, कॉन्फिसिकेट इज टू सेल ऑफ द प्रॉपर्टी, जबकि सीजर का मतलब सिर्फ जब्त करना होता है। तो हाँ, वो तो ठीक, मेरे मुझे चुप कर रही, जब्त करना है सीजर। हाँ जी, कॉन्फिसिकेशन इज ऑल टूगेदर अ डिफरेंट थिंग, बट स्टिल गो अहेड, लेट्स ट्राई। सर्च एंड इंस्पेक्शन, अच्छा सी, मतलब प्रैक्टिकली व्हेन यू कॉल दिस वर्ड ना, इंस्पेक्शन एंड सर्च, इसको बड़ा सिनोनिम की तरह यूज किया जाता है कि ये तो बात बराबर ही है, पर है ना, इन एकदम रियलिटी में आपको बोलूं तो सच में सिनोनिम की तरह चलता है, पर थ्योरेटिकली मैं इसको और अलग कर देता हूं। व्हेन यू से दिस वर्ड सर्च, दिस इज मोर ऑफ अ जनरल नेचर। प्लीज प्लीज दिस, हाँ जी exactly, and when you search, ठीक है। अच्छा, मैंने एक बार ये, ठीक है, अच्छा मतलब आप दोनों की बात सुन ली, पहले मैं एक बार मतलब समझाता हूँ, माइट भी आप जो कहना चाह रहे हो वो यहीं पे आ जाए, नहीं आया तो अपन आपकी वाली बात पे फिर से डिस्कशन करते हैं। सर्च इज मोर ऑफ अ जनरल नेचर वर्क, it is more of a nature to find out what is the problem and what has been missing. On the contrary, inspection somewhere work as a critical examination based on the facts or evidence found out in the search. So inspection follows search. When the general search is over and we have some doubt
and reasonable questions to some specific people, you start doing inspection. That is more of a critical examination of the material facts. यहाँ तक बात ठीक है. That's what the basic difference is. In either cases, there is no element of punishment right now. Why? Because this is something about checking and not punishment. मतलब a police officer is doing investigation is not with the objective कि he wants to punish. He is doing the investigation because he wants to find it out that who is the culprit. And it's the court's job or the authority's job to punish. Are we sure? Achha. Bradley, you get your answer about what is search and inspection? Yeah. You want more discussion? Haan, batao. Aapka kya kehna hai ki matlab? Nahin, as to what? Neha gumshuda hai. We start doing search everywhere and there. Turns out to be, we found out, Neha ne 3 ladko ko mara tha. 3 ladkon ka naam Rakesh, Mukesh, Vikas. 3 ladkon ka naam pata pada ki usme se Vikas naam ke insaan ko to usne dhakka bhi diya tha. Vikas Kubra Seth koi aisa aadmi hai, theek hai, dusra usko dhakka diya hai. We started doing inspection starts, to wohi likha hai. चलो ठीक है, डन है. चलो लेट्स स्टार्ट विद इंस्पेक्शन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट बिलीव्स दैट एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट हैज बीन कॉन्ट्रावीन्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑफ द बिलीव दैट एनी ऑफ द प्रोविजन हैज बीन कॉन्ट्रावीन्ड बाय एनी पॉलिटिकल पार्टी, एनी पर्सन, एनी ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन, देन इट मे पास एन ऑर्डर टू इंस्पेक्ट एन अकाउंट और रिकॉर्ड मेंटेन बाय सच पॉलिटिकल पार्टी, पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन. सीजर ऑफ अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स. इफ आफ्टर द इंस्पेक्शन search follows inspection, inspection follows seizure. सबसे पहले general, फिर critical and then जब्ती. सबसे पहले आपने बात करी search, search खत्म हो गई. अब हमें लगा कोई political party ने कुछ गलत किया है, inspect करो इसको जाके. Inspection में कुछ गलत निकला. If after inspection of an account or record, the inspecting officer has a reasonable cause to believe that any provision of the act or any law relating to foreign exchange has been contravened, he may seize such account or record and produce the same before the court. Goes very simple, no doubt with this. Again, Neha, the element of punishment is missing. Produce the same before the court and not directly punish them. Theek hai na? Police is no one to punish you. They do not have the authority to punish you. They have the authority to take you to the court and get you punished. Baat samajh aayi? Aaj aapne kisi ka khoon kar diya, police aapko punish nahi karti hai. Police is going to arrest you and take you to the court to get you punished. And they can't say ki aaj main teko 4 saal ke liye jail announce karta hu. समझी बात? नहीं. आपने जो भी अकाउंट्स जब्त किए थे, ज्यादा से ज्यादा आप उनको कितना टाइम अपने पास रख सकते हैं? 6 महीने. 6 महीने के अंदर आपको उनको उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स वापस देने हैं. और उसके ऊपर आप क्या कर सकते हो? एक इनिशियल मार्किंग कर देते हो. इनिशियल मार्किंग का मतलब क्या होता है? अगली बार अगर फिर से तुम्हारा कोई सर्च हुई ना, तो इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को नहीं उठाएंगे. क्यों? क्योंकि ये मार्क्ड है, मतलब ये चेक्ड है. इनके अंदर के डिफंक्ट एरियाज उन्होंने पहले ही निकाल लिए, तो अब वो इसके बाद के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ढूंढेंगे. क्यों? अब बात समझो. आज मैं ब्रैडली के आया, मैं कहा यार तू एक पॉलिटिशियन है, तू महाराष्ट्र से लड़ रहा है, महाराष्ट्र से तू भाई जीत भी गए, छोड़ महाराष्ट्र मत ही लड़, तू तू राजस्थान से लड़ रहा है और तू राजस्थान से जीत गए और देयर इज अ डाउट कि तू जो जीता है ना, तू फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन से जीता है. लेट अस फाइंड इट आउट. वी इंस्पेक्टेड, गॉट अ रिपोर्ट, टुक हिम टू कोर्ट, एंड कोर्ट में हम जा रहे थे. अब कोर्ट में इंस्पेक्शन के बाद गए हम लोग, तो मैंने बोला कोर्ट को कि भाई मेरे पास इसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, तो ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स मुझे ब्रैडली को वापस करना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर द कोर्ट्स जजमेंट इज. कितने टाइम के अंदर? 6 मंथ्स. तो इसने क्या बोला? द ऑथराइज्ड ऑफिसर शैल रिटर्न सच अकाउंट और रिकॉर्ड ऑफ द पर्सन फ्रॉम होम इट वॉज सीज्ड इफ नो प्रोसिक्यूशन इज ब्रॉट विद इन 6 मंथ्स. तो इसमें नो प्रोसिक्यूशन को साइलेंट कर दो. आपका कहने का क्या मतलब है? कि आपके हाथ से 6 मंथ्स के अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स वापस जाने चाहिए. सर पर इसमें ऐसा क्यों लिखा है दैट इफ नो प्रोसिक्यूशन इज देयर? बच्चा आपने कोई केस नहीं किया, मतलब ये केस कोर्ट के सामने गए नहीं, तो 6 महीने बुक्स रिटर्न करो. सर अगर कर दिया तो ये बुक्स वो कोर्ट को दे देगा एज एन एविडेंस, और वैसे भी उस टाइम पे तो आपके ऊपर सस्पेंशन चालू हो जाएगा, और सस्पेंशन में बुक्स ऑफ अकाउंट्स का करोगे क्या? तो व्हाट वी ट्राई टू से इज कि मैक्सिमम टेन्योर फॉर विच दे कैन सीज योर बुक्स इज 6 मंथ्स, पोस्ट विच योर सर्टिफिकेट इज गोइंग टू गेट सस्पेंडेड टिल द टाइम द कोर्ट इज रनिंग द केस. श्योर एनफ? पक्का? नेक्स्ट एंड लास्ट, एडजुडिकेशन ऑफ कॉन्फिस्केशन. नाउ कम्स द वर्ड कॉन्फिस्केशन.
सो इट्स सर्च इंस्पेक्शन सीजर कॉन्फिसिकेशन. कॉन्फिसिकेशन इज लास्ट. एनी कॉन्फिसिकेशन आर्टिकल और करेंसी और सिक्योरिटी विच इज सीज्ड मे बी एडजस्ट विदाउट लिमिट. ऐसा नहीं है कि इतना ही पैसा कॉन्फिसिकेट किया जा सकता है, इतनी प्रॉपर्टी कॉन्फिसिकेट किया जा सकती है. देर इज नो लिमिट टू द पावर. नो ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन इज ऑफ कॉन्फिसिकेशन शैल बी मेड अनलेस अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ मेकिंग अ रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट कॉन्फिसिकेशन हैज बीन गिवन. आप मेरी एसेट, अपन ब्रैडली की एसेट बेचने जा रहे हैं ऑन द ग्राउंड कि उसने कुछ गलत किया है. नेचुरल जस्टिस कहता है बेच, पर पहले उससे एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड दे. फर्स्ट ही विल रिप्रेजेंट इस केस कि उसने कुछ गलत नहीं किया है. एंड इफ ही कुड प्रूव इट डोंट कॉन्फिसिकेट इट, एंड इफ ही कांट कॉन्फिसिकेट. हैज बीन गिवन टू द पर्सन फ्रॉम हुम एनी आर्टिकल और करेंसी और सिक्योरिटी हैज बीन सीज्ड. तो प्लीज एक बात याद रखना, सीज्ड प्लस OOBH देना पड़ेगा टू डू कॉन्फिसिकेशन. श्योर है क्या? वी आर डन विद द चैप्टर. इसके नीचे पेनल्टीज. वट माई रिक्वेस्ट फ्रॉम यू गाइज इज पेनल्टीज याद कर लो, क्योंकि FCRA चैप्टर छोटा है बट क्वेश्चन हर बार आता है. सो दे कैन आस्क यू डिफरेंट डिफरेंट प्रोविजन ऑफ पेनल्टीज, दे कैन आस्क यू अ सब पार्ट इन द फॉर्म ऑफ पेनल्टी. ठीक है, तो खाली एक सही अमाउंट लिखना और तुम्हारे आंसर के दो या ढाई नंबर तुम्हारी जेब में आ जाएंगे. ये फायदा होता है, पर इसमें पेनल्टीज थोड़ी ज़्यादा है. देख लो आराम से, मैं आपको पेनल्टी का मतलब समझाऊंगा, आप पेनल्टी याद करते जाओगे. पहला है सेक्शन 34 जो कहता है कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोहिबिटरी ऑर्डर सर्व. आपको किसी गवर्नमेंट की अथॉरिटी ने ऑर्डर किया था कि आप पैसा नहीं ले सकते और आपने फिर भी उस प्रोहिबिटरी ऑर्डर को एडजम्प किया, आपने पैसा लिया. आपको पैसा खर्च करने से मना किया था प्रोहिबिटरी ऑर्डर के अंदर, पर आपने फिर भी पैसा खर्च किया. तो प्रोहिबिटरी ऑर्डर मतलब कि कोई भी तरीके की रोक रुकाव किया गया हो पर आपने उसे ना माना, क्योंकि ये फॉरेन चीज़ को इन्वॉल्व करता है. हर जगह पर आपको इम्प्रिजनमेंट कॉमन मिलने वाली है. जल्दी से देख लो, प्रोविजन भी पढ़ना पेनल्टी भी पढ़ना. डनेगा क्या है भाई पहले में, कि अगर आपके ऊपर प्रोहिबिटरी ऑर्डर था फिर भी आपने किया तो आपको जेल हो सकती है. कब तक? 3 साल तक की. और फाइन भी लगाया जा सकता है. कितना? देखो दिया है, ऑन द पर्सन कन्विक्टेड एन एडिशनल फाइन इक्वलेंट टू द वैल्यू ऑफ द आर्टिकल. जो चीज़ हम आपकी जब्त कर रहे हैं ना, जो आपने हमारे प्रोहिबिटरी ऑर्डर के बाद भी आर्टिकल खरीदा या पैसा लाया, उतना ही आपके ऊपर फाइन लगा सकते हैं हम वापस से, कि आपने जितने से हमारी बात नहीं मानी उतने से एडिशनल फाइन भी भरो. इस चीज़ के अंदर मैं आपको क्या मेन चीज़ बताना चाह रहा हूँ, The main element out here is imprisonment, and fine is additional to imprisonment, which might be there. बात समझ में आ रही है? Accepting foreign contribution in violation of the act. आपको बोला था इतना foreign contribution लेना, इन इन purpose के लिए लेना, पर आपने गलत चीज के लिए लिया, सजा बढ़ा दी जाएगी. 5 साल तक की सजा है भाई, देख लो. डन है क्या? और तीसरी है कॉन्ट्रावेंशन बाय कंपनीज. देख लो भाई, अच्छा ना बच्चे, कॉन्ट्रावेंशन बाय कंपनी में समझा, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन. कंपनी पर से कैन नॉट डू एनी काइंड ऑफ कॉन्ट्रावेंशन. इट्स द पर्सन अंडर डिफॉल्ट, इट्स द पर्सन इन पावर हु डज समथिंग रॉन्ग. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई शुड रिपीट दिस अगेन. अ कंपनी पर से कैन नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग. इट्स द पर्सन विद इन द कंपनी विच कैन डू समथिंग रॉन्ग. एंड द क्वेश्चन कम्स डाउन कि क्या पर्सन ने गलत किया है, और पर्सन ने गलत किया है तो पनिश करेंगे ना, और लाइबिलिटी भी उन्हीं के ऊपर आने वाली, क्वेश्चन भी उनके ऊपर ही आएगा. तो देखना, एवरी पर्सन हु एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रावेंशन वॉज कमिटेड वॉज इन चार्ज एंड वॉज रिस्पॉन्सिबल टू द कंपनी फॉर कंडक्टिंग बिजनेस ऑफ द कंपनी. तो जो भी इंसान अंदर काम कर रहा था उन सबको पकड़ेंगे अपन.
ये आपने कम्बी लॉ में पढ़ा होगा, मिस स्टेटमेंट एंड प्रस्पेक्टस. इफ देर इज एनी काइंड ऑफ मिस स्टेटमेंट एंड द प्रस्पेक्टस, एवरी पर्सन होल्डिंग द ऑफिस इन चार्ज विल बी कंसिडर्ड एज ऑफिसर इन डिफॉल्ट एंड शुड बी लाइबल टू बी पनिश अंडर सेक्शन 447 विच में रेज टू अप टू 10 ईयर्स. एंड उसके बाद आपको सर ने आगे थोड़ा सा और बताया होगा दैट द गोल्डन रूल स्टेटेड इन प्रस्पेक्टस इज दैट इफ देर इज एनी काइंड ऑफ मिस स्टेटमेंट इट डज नॉट मैटर कि वो कितना ही जेन्युइन मिस्टेक हो, आपकी गलती रहेगी रहेगी. फिर सर ने आपको इसमें आगे बताया होगा हाउएवर पर किसी ने अगर अपना प्रोस्पेक्टस से कंसेंट विड्रॉ कर लिया होगा तो उसे कभी लायबल नहीं किया जाएगा, या फिर उसने रीजनेबल एक्टिविटीज़ पूरी ली होंगी अपना नाम हटाने के लिए या फिर एक कॉन्ट्रावेंशन ना होने के लिए तो वो लायबल नहीं होगा. द एंटायर प्रोविजन कंट्रोल सी कंट्रोल वी, नोट पढ़ना आपको समझ में आएगा. इफ सच पर्सन प्रूव्स दैट द कॉन्ट्रावेंशन वॉज कमिटेड विदाउट हिज नॉलेज और दैट ही हैज एक्सरसाइज्ड ऑल डिलिजेंस टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफेंस ही शैल नॉट बी लायबल. प्योरली प्रोस्पेक्टस प्रोविजन है. हो गया क्या? नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ पॉलिटिकल नेचर. अच्छा आराम से BBIMPNS डाल देना इसको. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर नॉट बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी रेफर्स टू सच ऑर्गेनाइजेशन एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई बाय ऑर्डर इन द गजेट हैविंग रिगार्ड टू. अब इसने बात समझना, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है पर पॉलिटिकल नेचर में है. आपने कहा सर कोई एग्जाम्पल है? देखो भाई कहना नहीं चाहिए. शिवसेना जब पर से आए थे तो ठाकरे जी ने तो यही कहा था कि हम कभी इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करेंगे और वो कभी इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किए. उन्होंने कहा था कि मैं इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करूंगा, बाकी लोग करेंगे कंटेस्ट. हमने कहा ठीक है. नेक्स्ट चीज उन्होंने क्या कही थी कि शिवसेना के जितने भी लोग हैं वो सारे सेनापति हैं जो महाराष्ट्र की रक्षा करने के लिए हैं. हाउएवर इफ एंड बट दे वर ऑलवेज कनेक्टेड टू सम पॉलिटिकल एजेंडाज. कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, कोई थ्रेट सिक्योरिटी क्वेश्चन कुछ हो गया, सबसे पहले सेना बीच में आती थी. नाउ दैट इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर नॉट बींग अ पॉलिटिकल पार्टी रेफर्स टू सच ऑर्गेनाइजेशन एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई बाय ऑर्डर इन द ऑफिशियल गजेट हैविंग रिगार्ड टू एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आइडियोलॉजी ऑफ द ऑर्गेनाइजन. अपन ने क्या क्या देखना है जिससे अपने को समझ में आएगा क्या काम करते हैं, उनकी आइडियोलॉजी क्या है, उनके प्रोग्राम्स क्या है एंड एसोसिएशन क्या है उनका पॉलिटिकल पार्टीज के साथ. द सेंट्रल गवर्नमेंट में फ्रेम द गाइडलाइन स्पेसिफाइंग द ग्राउंड्स ऑन विच ऑर्गेनाइजेशन शैल बी स्पेसिफाइड ऑन एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ पॉलिटिकल नेचर. आपके एक्ट में बताया नहीं है यहाँ पे आपके मॉड्यूल के अंदर, पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो बताएगी कि मैं ये चीज़ें चेक करके किसी ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ पॉलिटिकल नेचर डिक्लेयर कर दूंगी. सर पर इससे फायदा क्या हो रहा है? दे कैन रिसीव FCRA और दे कैन नॉट रिसीव FCRA, डिपेंड्स ऑन द organization if it is of a political nature or not. Sure, then finishes off your one great chapter FCRA. I hope bahut zyada boring nahi tha. Chalega, we're done. Take a 5 minute break. We started competition. Thank you so much for seeing this lecture. Jai Jai Maharashtra.